खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का HK न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बतारीख 30 सितंबर को बसवा कल्याण तालुका के PDO यूनियन के अध्यक्ष ने मीडिया से खसूसी कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए बताया कि 4 तारीख को बिदर डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम PDO गवर्नमेंट अधिकारी हमसे काम तो लिया जा रहा है लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यूनियन की जानिब से 4 अक्टूबर को स्ट्राइक रखी जा रही है। सभी PDO अधिकारी और सेक्रेटरी सभी इसमें शामिल होकर ये आंदोलन को कामयाब करेंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा। PDO यूनियन के अध्यक्ष रमेश राठौड़, अर्जुन शिंदे PDO राजेश्वर और जगप्पा पुजारी, मल्लन गौड़ा बिरादर, अब्दुल रजाक, प्रशांत रेड्डी, विष्णु कांत रेड्डी और ग्रीषा के अलावा रत्नप्पा और दिगर PDO जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे। पेश है HK न्यूज़ चैनल के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल, सभी हमारे HK न्यूज 24/7 कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना में जर्नलिस्ट सूर्यवंशी। जैसा कि आज हम कर्नाटक राज्य के बीदर जिले के बसव कल्याण तालुके में आ चुके हैं, जैसे कि अभी हमारे BK9 न्यूज और HK न्यूज से लाइव आ रहे हैं जो बसव कल्याण तालुका PDO OCCM के जो अध्यक्ष है, अभी हमारे BK9 न्यूज और HK न्यूज से लाइव देखते हुए सनसनीखेज क्या है, खबर क्या है। ಸರ್, ಏನ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಕ್ಕಟ, ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ October 4, 2024 ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು October 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನರ ಒಯ್ದಿರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಹಲವಾರು ಸರಿ ಸಾಹೇಬರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಹೇಬರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಈಡೇರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? October 4 ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗಳಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೀಚಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳುಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सर, क्या आपकी मांग क्या है सर, आपका नाम क्या है? सर नमस्ते, मैं अर्जुन शिंदे बोल के पंचायत अभिवृद्धि अधिकारी ग्राम पंचायत राजेश्वर. अभी हम आज बसव कल्याण तालुका यूनियन से आज मीटिंग कर रहे हैं. मीटिंग करके जो 4 तारीख को कुछ स्ट्राइक अनिर्दिष्ट अवधि करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पूर्वभावी सभे बोल के आज मीटिंग कर लिए. उसके क्या क्या करने का और हमारे तालुके से कितना लोग हम भाग ले सकते हैं, हमारे इसमें स्ट्राइक में हमारे ग्राम पंचायत के सभी नौकर बोले तो हमारे वाटरमैन होंगे, हमारे स्वच्छतागार और DO, बिल कलेक्टर्स, SDA, सेक्रेटरी, हमारे RDPR यूनियन RDPR कौन नौकर है वो सब वृंद संघ के सब मिलके हम ये कर रहे हैं. उसके साथ हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य के संघ भी साथ दे रहे हैं. इसके ये बहुत बड़ा ये होराट कर रहे हैं. आपका क्या मांग है सरकार से? हमारा मांग बोले तो हम ये एक कुटुंब का ये है स्ट्राइक है, RDPR कुटुंब का बोले तो हमारे PDO के भी थोड़े मांग है और उसे SDA सेक्रेटरी और हमारे हमारे काम करने वाले वाटरमैन, बिल कलेक्टर, DO इनको बहुत कमी काम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उनको पगार कम दे रहे हैं.
और हमारे भी इतना काम बर्डन है, इतना काम ले रहे हैं पीडीओ बोले तो 24/7 वो डॉक्टर कैसा काम करते उससे ज्यादा भी हम कर रहे हैं। डे होंदे नाइट होंदे कुछ भी प्रॉब्लम रूरल एरिया में हो रहा है वो सब हमारे तरफ से काम ले रहे हैं, लेकिन हमारे को कौन सी भी प्रोटेक्शन नहीं है और कौन सा भी ये नहीं है। इसके वास्ते हमारे थोड़ा मांग है हमारे पीडीओ को बी ग्रेड भी दर्जे करना और ज्येष्ठता पट्टी प्रमोशन हो गया नहीं, 15 साल से प्रमोशन नहीं हो गया, ऐसा सब बहुत मांगे हैं। तो जैसा कि पंचायत राज के मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी हैं, उनको आप बताए उन्होंने क्या आपको मसूदा दिया, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होता तो आगे का आपको सरकार को क्या इशारा रहेगा? नहीं सर, अभी अभी ये अनिर्दिष्टवादी होराट है जी, हमारे मांग नहीं हो गया बोले तो हमारा स्टेट ये संघ का क्या इंस्ट्रक्शन आता है और सब वो वृंद संघ के क्या डायरेक्शन आते हैं उसके ऊपर हम ये करेंगे। हमारा यही मांग है, हमारे यही एक आज ये है बोले तो बसो कल्याण के सब हमारे RDPR कुटुंब सब भाग लेना बोल के ऐसा एक आज निर्णय करके हम 3 तारीख को इधर से निकलेंगे, 4 तारीख को उधर बसो कल्याण से कम 200 से। प्रोपराइटर मोहम्मद खान की जानिब से पेश किया जा रहा है बेहतरीन वेंचर, जहां पर लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। जिया नासरीन, आज़ाद कॉलोनी धारवत लेआउट में बेहतरीन प्लॉट्स पेश किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है, फ़ोन नंबरात है 8495083595 या फिर 9591185276।